हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिविंग द मोमेंट्स। अभी आप बैकग्राउंड देख के समझ में आ ही रहा होगा आपको कि हम होटल पहुँचे हैं और हम आए हैं अभी जर्मनी में। तो ये वीकेंड हम जर्मनी आए हैं क्योंकि हम देखने आए हैं यहाँ पर क्रिसमस मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्रिसमस 25th और 26th को ही सेलिब्रेट किया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्रिसमस मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले से चालू हो जाता है। और क्रिसमस मार्केट का नाम सुनते ही बहुत जनों ने कहा कि जर्मनी में डसलडॉफ में ज़रूर जाना। तो इसके लिए हमने इस बार हम आए हैं डसलडॉफ का क्रिसमस मार्केट देखने के लिए और आपको भी दिखाएंगे। एंट्री करते ही बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, वो आपको हम एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेन्स की पे सजावट किए गए थे, ट्रेन पे स्टेशन पे एंट्री करते ही बहुत अच्छा व्यू था, और इवन होटल में एंट्री करते ही बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद हम चलते हैं आपको लेकर जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में। वाह, स्टेशन के बाहर आते ही डेकोरेशन कंप्लीट, क्रिसमस का फीलिंग आने लगा है हमें इधर आने के बाद। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, ये स्टेशन का एंट्री है। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। स्टेशन देखने के बाद और एक अट्रैक्टिव चीज दिखी है हमें, वो दिखाते हैं हम आपको थोड़े ही दूरी पर। आपको भी दिख रहा होगा सामने एक पिलर है, उसके ऊपर क्या है देख के जरा बताना। सच में आदमी है या स्टैच्यू है, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वाह, कितना रियलिस्टिक बनाया है। और यहाँ ऐसे ट्रैम्स है जो कंटिन्यूस आते जाते रहते हैं, यहाँ से तो संभल के रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। तो हमारा स्टे है ये होटल में, लियोनार्डो होटल। तो दिखाते आपको अंदर से कैसा है। क्रिसमस ट्री है, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स, एंड मोनालिसा पेंटिंग। रूम्स बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए सोचा एक छोटा सा रूम टूर दे दे आपको। बहुत ही बढ़िया फ्लोरिंग बना है यहाँ पर, तो स्टे कंफर्टेबल होने वाला है और अच्छा होने वाला है। ये है हमारा रूम। अच्छा है, छोटा सा जगह है, बहुत अच्छे से रखा गया है। और ये है व्यू हमारे विंडो से। बहुत ही अच्छा रूम है। तो चलो फटाक से अभी रेडी होते हैं हम और निकलते हैं आगे के जर्नी के लिए, क्रिसमस मार्केट। उस स्टेशन देखने के बाद और होटल का एंट्रेंस देखने के बाद कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अभी हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंट्री करते ही इतना खूबसूरत था, तो आगे तो और खूबसूरत होने वाला ऐसा लग रहा है। तो चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको जर्मनी का मार्केट। और आखिर में ये शूज़ पहनने का टाइम आ ही गया जो विंटर्स के लिए लिया गया था। आपको देख के याद आया ही हो गया होगा कि ये कहाँ लिए थे।
तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं, तो जब बेल्जियम के लिए शॉपिंग कर रहे थे तब ये शूज़ लिए थे मैंने, और अभी इसका टाइम आ गया है पहनने का। बाहर बहुत ठंड है, अराउंड 3 to 4 degrees है टेम्परेचर बाहर का, तो थर्मल पहन लिया है, अभी ये शूज़ पहनता हूँ। और जो जैकेट दिख रहा है आपको बड़ा वाला, वो तो पहनना ही पड़ेगा, तो वो रेडी होके निकलते हैं बाहर। ये ज़रूरी है पहनना क्योंकि बहुत बहुत ठंड है, और इसमें ही हमेशा मैं रखता हूँ कैप एंड ग्लव्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है अगर ये नहीं लेके चलेंगे साथ में। तो चलो चलते हैं, फुल पैक होके चल रहे हैं, कैप, थर्मल शर्ट, जैकेट, ग्लव्स, तभी भी ठंड बच रही है क्योंकि 3 to 4 degrees का टेम्परेचर है अभी फिलहाल यहाँ पर, बहुत ही ठंड लग रही है, पर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। नया कंट्री है, नई सिटी है, तो एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे हमारे साथ। चल रहे हैं अभी वॉक करते करते, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का वॉक है, और एक ट्रेन जा रही है ऊपर से, दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन IC जर्मनी में जो चलती है। बस भी एक ऑप्शन था बट सोचे कि थोड़ा स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं, तो अभी चल के ही जाने वाले हैं हम। और 4:30 हो गए हैं, अंधेरा होना चालू हो गया है, और क्रिसमस मार्केट अंधेरे में घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये ट्रैम्स के लिए ऐसे पाथ बने हैं यहाँ पर, और ये क्रिसमस डेकोरेशन चालू हो गया है यहाँ से। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सब शॉप्स को क्रिसमस के हिसाब से सजाया गया है, हर एक शॉप में कुछ ना कुछ तो यूनिक और क्रिसमस रिलेटेड लगेगा सब। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे और खूबसूरत होते जा रहा है मार्केट। चॉकलेट नहीं है ये, ओके, ये दो। Okay, so it is to this eat. Video. Oh, it is smelling nice. Ice, hot. It is smelling nice. Yes, here for you. So, danger, it's hot. Okay, yeah, but I can eat it. I can have it. Yes, yes. You make so. Okay. And make so. Okay. And you can eat this. Okay. Thank have you. A nice day. Thank you. Most nice, yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. Happy Bye. New Year. Yeah. Bye-bye. Bye bye. देखते हैं क्या है ये और कैसा है। बहुत गर्म सा आ रहा है इसने, उसने बोला है कि थोड़ा सा संभाल के खाना, गर्म है बहुत, तो खा के देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा है, जैसे कॉर्न को हम गर्म करते हैं ना वो टाइप में लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है जैसे मैंने बताया आपको। वाओ, अभी हम एग्जैक्ट एंटर कर रहे हैं मेन मार्केट में, तो चलो आगे बढ़ते और देखते कि कैसा है। थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है वो क्योंकि। ये
ये मार्केट है शायद, यहाँ अंदर शॉप्स है। ओह, आपने यहाँ पर दिवाली के लिए कैसे मिलते हैं वैसे? आकाश कंदील बोलते हैं इसको मराठी में। वाह, बहुत सुंदर सुंदर से ऐसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो घर के लिए ले सकते हो। ओ वाह, ये एक बढ़िया लग रहा है मेरे को। These are nice. आपको भी कैसा लग रहा है बताना ये देख के। बहुत ही सुंदर है, ये लाइटिंग्स नहीं है, ये क्या है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। पर ये लाइटिंग्स नहीं है, नजदीक से दिखा देता हूँ। बहुत ही अमेजिंग है। चलो आगे मार्केट में बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर वीकेंड होने के कारण, और क्रिसमस मार्केट में तो भीड़ रहता ही है ज़्यादा। वाह, एक छोटे से कांच के बॉक्स में ये डेकोरेशन किया गया है। एक्चुअली ये सेल के लिए रखा है, इधर प्राइस लिखा गया है क्या क्या है। और अपने इंडिया जैसे लैंटर्न से, हाँ लैंटर्न से, या दिवाली के टाइम बहुत लगाते हैं। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं, भीड़ है। हमारा ग्रुप कहीं खो ना जाए। बहुत ही खूबसूरत ऐसे स्टैच्यूज है छोटे छोटे। और एक शॉप दिखाया हमें, और इधर लाइक सब शॉप में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव रखा गया है कि लगता है कि सब ही खरीद ले यहाँ से। वाह, बहुत ही क्यूट क्यूट से चीजें जो हम घर में रख सकते हैं। आपको कौन सा पसंद आया बताना जरूर। चलो और मार्केट देखना है। हे, बहुत ही बढ़िया और बड़ा मार्केट है, कवर करना है पूरा हमें। और ये सेंटा कैप, और एक सेम शॉप है यहाँ पर। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, जो भी है बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करना। ओह, बहुत ही सुंदर सुंदर शॉप्स है और डेकोरेशंस किया गया है यहाँ। और ये कैंडल शॉप है सामने। ओके, अगरबत्तीज रखे गए यहाँ पर, सेंटेड अगरबत्ती कैंडल्स, अलग अलग शेप्स की कैंडल्स है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये कैंडी शॉप लग रहा है। यहाँ पर हमने हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के बैंड ले लिया है, तो ये बैंड चाहिए रहता है अगर कुछ भी हमें खरीदना है शॉप से, कुछ भी लेना है तो इस बैंड का ज़रूरत है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ स्टॉल्स है, शॉप्स लगे हैं, तो वहाँ आप आपका सर्टिफिकेट दिखा के बैंड ले सकते हो। यहाँ पर अभी बैच दिखाना पड़ेगा हमें जो हमने लिया है वहाँ से, और अंदर एंट्री करना है। सो पहुँच गए एकदम सेंटर में मार्केट में। और यहाँ शॉप्स है, तो देखते हैं क्या क्या
शॉपिंग करना है थोड़ा बहुत, ले गए यहाँ से पक्का, और खाने के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पर, तो ट्राई करते हैं एक एक चीज़ें यहाँ पर। अभी विंटर चल रहा है तो उसके हिसाब से कुछ लेना है, हैंड ग्लव्स एंड कैप। प्रियंका सिलेक्ट कर रही है। ये एक फेमस वेगन फूड है यहाँ का, आलू टिक्की जैसा मिलता है, टेस्टी है, एप्पल सॉस के साथ दिया जाता है और फ्राइज भी मिलता है यहाँ पर, तो वेगन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है ये, हमने भी खाया बहुत अच्छा था। एंड ये मस्ट ट्राई करना चाहिए ऐसा बोला जाता है जो यहाँ पर है। हॉट वाइन मिलता है यार, रेड वाइन, तो मस्ट ट्राई करना चाहिए ऐसा कहा जाता है। अगर क्रिसमस मार्केट आए तो ये ज़रूर ट्राई करना, हॉट रेड वाइन। विंटर के हिसाब से सॉक्स ग्लव्स है यहाँ पर। देन यहाँ पर कुछ स्टैचूज के शॉप्स है, छोटे छोटे से स्टैचूज है घर में रखने के लिए, पेंटिंग्स है यहाँ पर। नेदरलैंड्स के साइकिल, बहुत ही खूबसूरत है बट उतना ही एक्सपेंसिव है ये मार्केट। देखते हैं कुछ मिलता है क्या लेके जाने के लिए। वुडन स्पून, ओ यहाँ पर भी कुछ है पर ये वेज नहीं लग रहा है, भीड़ बहुत है। ज्वेलरी शॉप देख के प्रियंका रुक गई है बट उसे पता ही नहीं है कि उसे यहाँ कुछ मिलने नहीं वाला है। मुझे पता था कि हमारे बजट से बाहर है। ये एक शॉप अच्छा लग रहा है, शायद यहाँ कुछ मिल जाए हमें। तो यहाँ पर पूरे खाने के शॉप से अलग अलग, ये भी कुछ अलग लग रहा है, पैनकेक टाइप, छोटे छोटे पैनकेक्स, अच्छा लग रहा है। ये फिर से एक वाइन का शॉप है, हॉट वाइन, जो कि लोग बहुत मज़े से पीते हैं, एंजॉय करते हैं इसे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे खाने के लिए ऑप्शंस है, पीने के लिए ऑप्शंस है, तो मज़ा आएगा यहाँ पर। और एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री, बहुत ही ब्यूटीफुल। खूबसूरत शॉप से यहाँ पर लाइव बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर ग्लास आर्ट। वाओ, बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में। और उसमें रेंडियर, यहाँ आप अगर ठीक से देखोगे तो ग्लास के अंदर रेंडियर बना के उन्होंने दिखाया है। बहुत भीड़ है उसके लिए इधर। आगे बढ़ते और भी मार्केट देखने। ओ वाओ, कितना खूबसूरत है ये, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि ये कैसा लगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो।
खूबसूरती अलग जगह और कॉस्ट अपनी जगह, थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर लेने जैसी है। पर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट मार्केट देखने के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6 और हमारे पास अभी 3 ही घंटा है पूरा मार्केट कवर करने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे को 9 बजे तक चालू रहता है और संडे को 8 बजे तक चालू रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मार्केट और एक्सप्लोर करते कि वहाँ क्या ऐसा अलग है। ये था वो मार्केट जो अभी हमने देखा यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं दूसरे मार्केट की तरफ। यहाँ पर एक जायंट व्हील दिख रहा है हमें, तो चलो आगे बढ़ते और दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर है जायंट व्हील, अभी तो नहीं बैठेंगे हम इस पे, देखते हैं आखिर में टाइम रहा तो बैठेंगे, पहले तो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है, क्या क्या मिलता है देखेंगे। ये जो हमने खाया था मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी है। कैंडल्स लगाने के लिए कुछ डेकोरेटिव ग्लासेस, ये वाला अच्छा लगा मुझे। ये भी एक फेमस स्ट्रीट फूड है यहाँ का, चॉकलेट्स नट्स हम ले रहे टेस्ट करने के लिए। गन भी है, देखते चलता है क्या। ओ मैं तो सरप्राइज हो गया ये देखने के बाद, स्पेशली वो गन बहुत ही ऑसम थी। तो बहुत मज़ा आ रहा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, हालांकि कुछ ले नहीं रहे हैं बट बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव सामान है और देखने जैसा है, लेने जैसे भी चीज़ें हैं बहुत सारी। बहुत अच्छा लगा, आपको भी कैसा लग रहा है ये मार्केट देखने के बाद बताना। और एक दो मार्केट बचा है देखने जैसा है, तो अभी वो देखेंगे क्योंकि और हमारे पास 1.5 आवर है, तो उसमें देखते कि क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वो कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आपके कमेंट्स जारी रखना और बताते रहना हमें कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो देखने के बाद और क्रिसमस मार्केट देखने के बाद। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखे जगह पे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे बाजू में चल रही है आइस स्केटिंग। यस, अभी तक मैंने ये मूवीज में ही देखा है, तो मैं फर्स्ट टाइम अभी देखूँगा लाइव, तो आपको भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, तो नज़दीक जाते हैं और दिखाते हैं आपको। नज़दीक पहुँच गए हम उधर, आपको भी दिखाते हैं, थोड़ा जगह मिलने दो एक बार। जगह ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, देखते कहाँ से दिखेगा अच्छे से। वाओ यहाँ जगह मिल गया है। वाओ बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। वी रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस, आपको भी कैसा लगा देखने के बाद बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी टाइम हो गया है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि और एक मार्केट देखना है बाजू में, ये अच्छा दिख रहा है वो, तो चलते वहाँ पर। बहुत अच्छा दिख रहा था, ये ब्रिज है जिसके ऊपर बनाया गया है ऐसा एक स्ट्रक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ा ब्राइटनेस कम करके मैं दिखाता हूँ, देखो ये रियल व्यू है।
अच्छा लग रहा है बहुत। तो रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी होटल के लिए। ब्रिज को क्रॉस करते हुए जाएंगे अभी हम। यहाँ से 23 मिनट्स का वॉक है हमारा और ठंड बढ़ती जा रही है। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जैकेट को फुल पैक कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और आदत नहीं है ना ठंड की इतनी, इसके वजह से पूरा पैक है। ग्लव्स तो कंटिन्यूस है, कैप है, बस एक दो बार फोटो के लिए निकाला होगा कैप। तो जा रहे हैं अभी। बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग देखने को मिला और आपको भी कैसा लगा है बताना ज़रूर। चलते हैं रूम पे और आगे की बात उधर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइनली हम पहुंच गए हमारे रूम पर। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वॉक करके आए हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अराउंड 3-4 डिग्रीज है। और पूरा पैक होके आए थे और ये फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था क्रिसमस मार्केट को लेके। बहुत ही हैपनिंग एनवायरनमेंट था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने और हमने ट्राई किया है बहुत से सब चीज़ें अराउंड ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर करने के लिए हमारे वीडियो में। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी ये क्रिसमस मार्केट देखने के बाद कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।